हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है ना? अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, घर पर लॉकडाउन है, ठीक है? समय का, अपने कीमती समय का अच्छी तरह से उपयोग कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम, ठीक है? आज की कक्षा में बच्चों हम लोग द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इन्वेंटर मीन्स आविष्कारक, इन्वेंशन करने वाला, ठीक है? जो किसी भी चीज का आविष्कार करता है उसको आविष्कारक कहते हैं। तो एक इन्वेंटर जिसने अपना वादा निभाया, जिसने जो प्रॉमिस किया था वो उसको पूरा किया, ठीक है ना? ये लेसन पढ़ेंगे थॉमस अल्वा एडिसन। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है? जिन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हौसला बरकरार रखा, कायम रखा, ठीक है? और एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट करते चले गए। भले ही वो कितनी बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा किया। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल लेसन है, जिससे कि हम लोग शिक्षा लेंगे, सीखेंगे। इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक इस लेसन को आप लोग पढ़िए। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस अल्वा एडिसन। वेन यू वॉन्ट टू रीड एट नाइट, यू सिंपली प्रेस अ स्विच एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट। जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो, जब भी मन होता है आपका कि हम पढ़ लें, तो क्या करते हो? सिंपली स्विच को प्रेस करते हो और बिजली की रोशनी हो जाती है, प्रकाश से जगमग हो जाता है कमरा, हो जाता है ना? डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, ये बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? अच्छा बच्चों, इन्वेंशन और डिस्कवर मतलब आविष्कार और खोज में क्या फर्क है? आविष्कार बच्चों जो चीज समाज के लिए उपयोगी होती है, ठीक है, तो उस उपयोगी चीज को दुनिया के सामने जो पहले अस्तित्व में नहीं थी उसको अस्तित्व में लाना, ठीक है ना? प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट करके उस चीज को प्रकाश में लाना, वो आविष्कार कहलाता है। और खोज खोज जो चीज, वो चीज थी जिसका एग्जिस्टेंस था, जिसका अस्तित्व था, लेकिन हम लोग उसे जानते नहीं थे, ठीक है ना? उसको कहते हैं खोज। तो उसको पता करके दुनिया के सामने लाना वो खोज है, जो लेकिन वो अस्तित्व था उसका पहले, वो खोज है, ठीक? हाँ, तो ही वॉज एन अमेरिकन नेम थॉमस अल्वा एडिसन। तो इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया था? एक अमेरिकन जिसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स। अपने चाइल्डहुड मीन्स बचपन से, अपने बचपन से ही एडिसन को एक्सपेरिमेंट से, प्रयोगों से प्यार था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर्स। उनको फॉन्ड ऑफ माने पसंद होना, उनको क्वेश्चन पूछना मतलब प्रश्न करना, जैसे आप लोग तो शर्माते हो कुछ पूछना हो तो, है ना? जबकि बच्चों पूछने में कोई शर्म नहीं है, ना आने में शर्म होती है, पूछने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है? तो उनको पसंद था प्रश्न करना, प्रश्न पूछना, और जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाते थे या संतोषजनक उनको उत्तर नहीं मिल जाता था, तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे। देर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड देर आर अ फ्यू ऑफ देम। उनके बचपन की कई कहानियां हैं, जिनमें से फ्यू कुछ यहाँ दी गई हैं, यहाँ दी जा रही हैं। वन डे व्हेन यंग एडिशन वाज एट स्कूल, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। एक दिन एडिशन स्कूल में थे, तो उनकी टीचर जो है चिड़ियों के बारे में, पक्षियों के बारे में कहानी सुना रही थी।
ही गॉट अप एंड आस्क द टीचर, वह उठे और उन्होंने अपने टीचर से पूछा. आस्क मीन्स पूछना, आस्क उसकी सेकेंड फॉर्म है. मैडम, महोदय, व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, आदमी चिड़ियों की तरह या पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है. बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर. टीचर ने, अध्यापक ने उत्तर दिया कि क्योंकि आदमी के पंख नहीं होते, विंग्स माने पंख. द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन. उस बच्चे ने एक क्षण सोचने के बाद पुनः प्रश्न किया, पुनः पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के भी पंख नहीं होते हैं, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी वो आकाश में उड़ती है. ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस. अन्य लड़के सब हंसने लगे और टीचर ने जो है आपा खो दिया, मतलब धैर्य खो दिया. पेशेंस मीन्स धैर्य. सी थॉट, उसने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, कि लड़का जो है, स्टूपिड मीन्स मूर्ख और नॉटी मीन्स शरारती, लड़का मूर्ख और शरारती है. एंड शी आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उन्होंने उसके माता पिता से कहा, पेरेंट्स मीन्स माता पिता से कहा इसको घर ले जाने के लिए. हिज पेरेंट्स टुक हिम होम बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय. उसके माता पिता उन्हें घर तो ले गए, लेकिन वो जानते थे, मतलब उनके माता पिता जानते थे कि लड़का मूर्ख नहीं था. एडिसन वाज जस्ट 8 ईयर्स ओल्ड व्हेन दिस हैपेंड. एडिसन उस समय मात्र 8 वर्ष का था जब ये घटना घटी. यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर. एडिसन ने अपनी माँ को सर्वश्रेष्ठ टीचर पाया, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, शिक्षिका पाया. शी वाज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस. उनकी माँ धैर्य से, पर्याप्त धैर्य था उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, जितने भी उनके प्रश्न के उत्तर, उनका उत्तर देने के लिए उनके पास खूब धैर्य था. और विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस, और उनकी हेल्प, उनकी सहायता से और उनकी मार्गदर्शन से, गाइडेंस से, एडिसन ने अच्छी प्रोग्रेस की. ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. वह चीजों को बहुत बारीकी से देखते थे, बहुत अच्छी तरह से देखते थे और एक्सपेरिमेंट करते थे, प्रयोग करते थे. सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम. कुछ प्रयोग उनके सिली होते थे, मतलब मूर्खतापूर्ण होते थे, लेकिन उनसे भी वो बहुत कुछ सीखते थे. वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड. एक सुबह वो चिड़िया को देख रहे थे. इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड. वो उड़ करके जो है मैदान में आई. पिक अप अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे. और अपनी बीक मीन्स चोंच, चोंच में उन्हें वर्म माने कीड़े, कुछ कीड़े को लिया, चोंच में दबाया और उड़ गई. दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया. इस बात ने एडिसन के दिमाग में एक विचार दिया. क्या? द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स. चिड़िया इसलिए उड़ सकती है क्योंकि वो कीड़े खाती है. मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म्स. आदमी भी उड़ सकता है यदि वो कीड़े मकोड़े खाए. ही सेड टू हिमसेल्फ. उन्होंने खुद से कहा, स्वयं से कही ये बात. ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन. वो चाहते थे कि किसी पर वो ये प्रयोग करें. ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स, बीट देम इनटू अ पल्प एंड मिक्स इट इन वाटर. उन्होंने क्या किया, कुछ वर्म्स, कुछ कीड़े जो है पकड़े, और पल्प कहते हैं गुदा, और उसको कुचल करके उनका गुदा निकाला और उसमें पानी मिला करके उसका मिक्सचर तैयार किया. ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर. क्या किया उन्होंने, उस मिक्सचर को लिया और सर्वेंट गर्ल्स को जो है देते हुए कहा कि दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर. ये जो है एक बहुत ही आश्चर्यजनक मिक्सचर है. इफ यू ड्रिंक दिस, और यदि तुम इसे पियोगी तो यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड. तो तुम जो है चिड़िया की तरह, बर्ड की तरह
उड़ सकती हो, कम ऑन आओ ड्रिंक इट एंड सी, इसे पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रिंक द मिक्सचर, उस बेचारी लड़की ने बिलीव माने विश्वास करना, उस पर विश्वास किया और उस मिक्सचर को पी लिया। वेल शी डिडंट फ्लाई बट सी फेनिल, वो उड़ तो नहीं सकी लेकिन क्या हुआ, बीमार हो गई। यंग एडिसन मदर वॉर्न्ड हिम नॉट टू डू सो सिली सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन की माँ ने वॉर्न मींस चेतावनी दी कि आगे से इस तरह के सिली एक्सपेरिमेंट्स मूर्खतापूर्ण प्रयोग ना किया करें। वंस एक बार ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, मदर पोल्ट्री फार्म कहते हैं जहाँ वो मुर्गी पालन केंद्र होता है ना, वहां पर एक बार वो अपनी माँ के साथ गए। देयर ही सॉ हैंड, वहां उन्होंने एक मुर्गी देखी, इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वो अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड, उन्होंने इसके बारे में अपनी माँ से पूछा। शी आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया, द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स, ये अपने अंडे से रही है, मुर्गी अपने अंडे से रही है। आफ्टर सम टाइम्स चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, और कुछ समय बाद इसमें से इन अंडों से चूजे निकल आएंगे। ठीक है, व्हाई कांट आई हैच एग्स, तो क्या मैं अंडे नहीं से सकता, थॉट यंग एडिसन। एडिसन ने सोचा उस द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह ही गॉट अ डजन एग्स एंड सेट ऑन देम, डजन मीन्स दर्जन, अगली सुबह वो एक दर्जन अंडे ले आए और उन पर बैठ गए। ठीक है, ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद वो उठे, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उन्हें तो चूजे नहीं मिले, उन्होंने एक भी चूजा नहीं पाए। ही हैड ओनली स्मेल द एग्स, क्या हुआ, बल्कि अंडे कुचल गए थे, टूट गए थे, वही अंडों के ऊपर बैठोगे तो क्या होगा, है ना। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, और उन्होंने अपनी शर्ट खराब कर ली। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, और उस दिन तो उन्हें उनकी माँ से अच्छी खासी पिटाई लगी। अ रियली फनी बॉय वॉज नॉट ही, वास्तव में बड़ा ही हास्यास्पद लड़का था, नहीं था क्या। ही फेल्ड इन ऑल दोज एक्सपेरिमेंट, हालांकि ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, हालांकि उन सभी इन सभी एक प्रयोगों में वो असफल रहे, फेल हो गया, बट ही हैड लर्न्ड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उन एक्सपेरिमेंट से उनने सीखा, ठीक है ना कुछ सीखा। ही हैड लर्न्ड दैट हिज आइडिया वर रॉन्ग, उन्होंने सीखा कि उनके आइडिया गलत थे। ठीक है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, उनको जो है किताबों का शौक था, किताबों के शौकीन थे, और उन्होंने उनसे बहुत कुछ उनमें बहुत पढ़ा। ठीक है, हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, और जो किताब वो पढ़ते थे, जो किताब वो पढ़ चुके थे, उनके पिताजी हर उस किताब को पढ़ने के बाद उनको जो है 25 सेंट्स देते थे। ठीक है, ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, लेबोरेटरी कहते हैं प्रयोगशाला को जहां पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ही रीड, तो वो और पढ़ना चाहते थे, तो जो उनको पॉकेट मनी मिलती थी उनसे वो क्या करते थे, बाय मीन्स खरीदना, बॉट मीन्स खरीदा, उनसे वो बुक को खरीदते थे। ठीक है, एंड सेट अप अ स्मॉल लेबर, और उन्होंने क्या किया, एक लेबोरेटरी, प्रयोगशाला को स्थापित की। हिज मदर एनकरेज्ड हिम, एनकरेज कहते हैं प्रोत्साहित करने को, उत्साहित करने को, उनकी माँ उनको उनका उत्साह वर्धन करती थी। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट करने में उनका उनको हेल्प करती थी, मदद करती थी। आफ्टर सम टाइम्स एडिसन फाउंड, कुछ समय बाद एडिसन ने पाया कि दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, कैरी ऑन माने जारी रखना, कि अपने एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखने के लिए उनको और अधिक धन की आवश्यकता है। आफ्टर ही वॉन्टेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, और जो उनके घर में थी किताबें वो उन सारी किताबों को पढ़ चुके थे। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेज एंड न्यू पीपल, वो
बाहर जाना चाहते थे, नई जगहों को देखना चाहता था और नए लोगों से मिलना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई किताबों को पढ़ना चाहते थे एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहते थे, इम्प्रूव करना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, इसलिए उन्होंने रेलवे में जॉब करने का निर्णय लिया। एट फर्स्ट शुरू में हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, शुरू में तो उनके पिताजी को, पेरेंट्स को, मम्मी को, पापा को यह आइडिया अच्छा नहीं लगा। एज ही वॉज जस्ट 12 years old, क्योंकि उस समय मात्र वो 12 वर्ष के थे। बट दे अग्रीड, लेकिन उनको सहमत होना पड़ा। वेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, जब उन्होंने अपने डिसीजन के बारे में अच्छे तर्क दिए, ठीक है, तो उनको राजी होना पड़ा। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट। तो एडिसन जो है, जो अखबार देने आता है ना बॉय, तो न्यूज़पेपर बॉय बन गए और यात्रा करने लगे ट्रेन में, ठीक है ना, ट्रेन में से डेट्रॉइट अप डाउन करने लगे। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन ट्रेन टू डेट्रॉइट। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे। क्या हुआ, क्या क्या सेल मैंने बेचना, सोल्ड मैंने बेचा, उन्होंने न्यूज़पेपर, स्वीट्स, वो टॉफी वगैरह जो ट्रेन में नहीं बेचते हैं, फ्रूट्स, फल, और उन्होंने अर्निंग्स कमाना, उन्होंने पहले दिन $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, और उस रात्रिकालीन भोजन में उन्होंने अपनी माँ से कहा, टेक दिस डॉलर, ये डॉलर लो माँ, एवरी नाइट, और प्रत्येक रात्रि आई शेल गिव यू अ डॉलर फ्रॉम व्हाट आई अर्न, इसी तरह से जो भी मैं कमाऊंगा उसका $1 हर रात्रि को आपको दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपना वादा निभाया। तो आज इसको हम लोग यही समाप्त करते हैं। इसका जो बाकी लेसन है, क्योंकि जितना आज पढ़ा है इसको आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर जो आधा लेसन इसका बचा है उसे हम लोग कल करेंगे, ठीक है, ओके बाय।